हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको दिखाऊंगी नेक डिजाइन विद पाइपिंग एंड लेस। तो अगर आपने उससे पहले मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ताकि मैं अपने नए नए वीडियोस आप सबके साथ शेयर कर सकूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये कुर्ती मैंने कट करके रखी है, ये मैंने उसकी सीधी साइड ली है इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे नेक के नीचे मैंने पाइपिंग और लेस की डिजाइनिंग देनी है। तो मैं नेक बनाने से पहले ये दूंगी डिजाइनिंग। तो ये जो मेरा फैब्रिक है वो प्लेन सिल्क का है, इसको किनारी वाली सिल्क भी बोलते हैं। तो ये मेरी कुर्ती है, ये उसका सेंटर है। इसमें मैंने यहाँ बिल्कुल सेंटर में पाइपिंग और लेस की डिजाइनिंग देनी है। तो उसके लिए मैंने ये पट्टी रेडी की है। मैंने इसको पेस्टिंग लगा के तीन साइडों से फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। ये मैंने 14 इंच लंबी ली है बिकॉज डिजाइन जो है मुझे वो 17-18 इंच तक देना है। तो मैं पहले मार्क कर लूंगी मुझे जहां तक डिजाइन देना है अपना। इस तरीके से मैं अपने डिजाइन के लिए मार्क कर लूंगी। मैं 18 इंचेस मार्क कर रही हूं, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं ऊपर से लेके 18 इंचेस तक मार्क कर रही हूं। तो ये जो मेरी पट्टी है ये 14 इंचेस की है। मैंने यहां से ऐसे रखनी है, नीचे हमारी पूरी होनी चाहिए, ऊपर हमारा ऐसे आ जाएगी। क्योंकि ये नेक के बीच में आनी है इसलिए मैं इतनी कम ले रही हूं पट्टी। तो ऐसे मैंने कुर्ती और पट्टी का बिल्कुल सेंटर लेना है इस तरीके से। मैं सेंटर पे रफ स्टिच कर दूंगी एक। तो ये मैंने बिल्कुल सेंटर में इसके रफ स्टिच लगा लिए। अब इसके एक पैर इधर और एक पैर इधर दो सिलाइयां लगा लेंगे हम। सिलाइयां लगाने के बाद ये बीच वाली सिलाई हम कट कर देंगे। तो ये देखिए मेरी एक पैर के साथ साथ सिलाई लग चुकी है। अब मैं इस तरफ सिलाई लगाऊंगी तो हम इसको इस तरीके से घुमाएंगे। और ऐसे बीच में भी हमने एक पैर का गैप देना है इस तरीके से हम। अब जो हमारी सिलाई है वो हम नीचे से ऊपर की तरफ लेके आएंगे। इस तरीके से मैंने दोनों साइडों पे सिलाई लगा लेनी है ऊपर तक। तो अब मैं ये बीच वाली सिलाई को कट कर दूंगी। ध्यान में रखिए हमारी ये जो रफ स्टिच ही कटनी चाहिए, दोनों साइडों की सिलाइयां नहीं कटनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे इस तरीके से ताकि जो हमारी किनारी है वो अच्छे से निकल जाए। अब हम इसको इस तरीके से अंदर की तरफ पलट देंगे। हम इसको पलट के आयन कर देंगे इसके ऊपर ताकि यहाँ पे हमारी जो पाइपिंग वाली सिलाई है वही दिखाई दे, दूसरी सिलाई हम ना लगाएं किनारी की। तो अब मैं पहले इसको ऐसे प्रेस कर लूंगी इस तरीके से। अब हम इसको बिल्कुल हम किनारी से ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर आयन कर देंगे ताकि जो हमारी सिलाई के ऊपर अच्छे से बैठ जाएगी इस तरीके से। तो ये देखिए हमारा ये जो कट है ऐसे रेडी हो गया है प्रेस के साथ। अब हम इस पे पाइपिंग लगाएंगे। तो ये कलर की, इस कलर की मैंने पाइपिंग बनाई है, मैंने सेम कट के बराबर पाइपिंग बनाई है। मैं इसको लगा दूंगी कट के बीच में
तो ऐसे कई रेडीमेड सूट्स पे भी ऐसे पाइपिंग लगी आती है, तो वह इसी तरीके से लगाते हैं। तो ये पाइपिंग मैंने रेडी की है। अगर आप ये भी बनाना सीखना चाहते हो तो आई बटन प्रेस करके मेरी वीडियो देख सकते हो। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक भी दिया है इसका। इस सूट के साथ हमारे पिंक कलर का हमारे पास दुपट्टा है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन दे रही हूं मैं पाइपिंग का। तो ऐसे हम पाइपिंग को नीचे रखेंगे और यहां पे हम किनारी की सिलाई के साथ पाइपिंग को दिखाते जाएंगे। तो ऐसे पाइपिंग को नीचे रख के हमने फिनिशिंग के साथ किनारी की सिलाई लगा लेनी है पूरी नीचे तक। तो ऐसे हमारी पाइपिंग दिखाई देगी। तो ऐसे हमने नीचे कोने तक इसको स्टिच कर लेना है। अब हम दूसरी साइड की पाइपिंग यहां से ही शुरू करेंगे। तो एक तरफ की हमारी ये पाइपिंग लग चुकी है। अब दूसरी को भी हम ऐसे नीचे की तरफ रखेंगे और बिल्कुल एक साथ यहां हम इसके ऊपर दो पैर की सिलाई लगाएंगे नीचे वाली साइड में, ताकि ये नीचे से भी फिक्स हो जाए इस तरीके से। अब मैं इसको घुमाऊंगी और ऐसे ऊपर हम ऐसे नीचे की तरफ रखते हुए पाइपिंग को किनारी की सिलाई लगाएंगे ऊपर तक। तो ऐसे ये देखिए हमारी कोने से भी ऐसे फिनिशिंग के साथ पाइपिंग आ जाएगी। अब हम ऊपर तक इसको ऐसे ही लगा लेंगे किनारी की सिलाई के साथ। तो हमारी ये जो पाइपिंग है वो ऐसे आ जाएगी किनारी की सिलाई के साथ। अब मैं इस कट को नीचे से बंद करूंगी। वो मैंने ये पट्टी बनाई है, एक तरफ से मैंने इंटरलॉक किया है। अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन नहीं है तो आप सिलाई लगा सकते हो एक तरफ से। तो ऐसे इस पट्टी को हम नीचे रखेंगे। पहले हम एक तरफ इसी सिलाई के ऊपर हम अपनी सिलाई को चलाएंगे। तो ये जो सिलाई है हमें फिनिशिंग के साथ लगानी है और धीरे धीरे लगानी है। तो ऐसे नीचे तक मैंने लगा लेनी है, फिर घुमा के इस तरफ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे हमने पाइपिंग को नीचे से दो पैर की सिलाई दी थी, ऐसे ही हमने इसको भी देनी है और नीचे साइड वाली पाइपिंग को साथ में रखते हुए, यानी जो हमारा बीच में गैप आया था उसको हमने कवर करना है। इसको बिल्कुल साथ साथ रखते हुए ऊपर तक सिलाई लगा लेंगे किनारी की, ऐसे बिल्कुल साथ में रखना है हमने। तो ये देखिए ये हमारा कट ऐसे बंद हो चुका है पाइपिंग के साथ। अब हम इसके साइडों में लेस लगा देंगे। मैं ये वाली लेस यूज कर रही हूँ, ये सीक्वेंस वाली और कटवर्क वाली लेस है। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे आधे इंच का गैप देके लगाऊंगी। अगर आप चाहो तो आप बिल्कुल साथ में भी लगा सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा गैप दे रही हूं। तो मैं ऐसे आधे इंच का गैप देते हुए लेस को किनारी की सिलाई के साथ फिक्स करती जाऊंगी। मैंने नीचे ऐसे लेस का कोना बना लेना है और एक कटवर्क को ऐसे नीचे की तरफ रखना है। ऐसे मैंने इसको सिलाई को पक्का करके अब मैं इसको भी पाइपिंग की तरह घुमाऊंगी ऐसे, और यहाँ से मैं दूसरा कोना बना लूँगी इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे नीचे पहले सिलाई लगाऊँगी ऐसे, यहाँ इसको भी मैं पक्का करूँगी और घुमा के ऊपर की तरफ सिलाई ले जाऊँगी। तो ऐसे दूसरी साइड भी मैं ऊपर तक सिलाई लगा लूँगी। तो ऐसे हमारी ब्यूटीफुल पार्टी वेयर नेकलाइन रेडी हो जाएगी इस तरीके से। अभी ये वाली सिलाई हमारी लग चुकी है। अब यहाँ पे इस किनारी पे हम इसके साथ साथ सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे ये किनारी की सिलाई के साथ हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसके ऊपर कोई भी नेक बना सकते हैं। मैं यहाँ पे पान नेक बनाऊंगी और पान नेक के नीचे मैं ये वाले बटन्स दूंगी।
ये देखिए मैं यहाँ पे स्मॉल बटन्स यूज कर रही हूँ थोड़े गैप पे, आप चाहो तो थोड़े बड़े भी यूज कर सकते हो। इस तरीके से ये हमारा ब्यूटीफुल नेक डिजाइन ऐसे रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए इसके साथ मैंने नेक पलटा है पाइपिंग के साथ, मैंने पान नेक बनाया। अगर आप इसकी भी वीडियो देखना चाहते हो तो आई बटन प्रेस करके देख सकते हो। तो इसके साथ ऐसे मैंने बटन्स भी लगा लिए हैं, स्टिच कर लिए हैं मैंने ये बटन्स। तो ऐसे ही मैंने सेम स्लीव पे भी पाइपिंग और लेस की सेम डिजाइनिंग दी है। ऐसे हमारी पार्टी वियर ब्यूटीफुल कुर्ती रेडी होगी है। इसके साथ जो हमारा दुपट्टा है वो ये है और ब्लैक पैंट के साथ मैंने इसको बनाया है। तो ये होगी इसकी फाइनल लुक। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।